माँ, मैं भी आपके साथ आऊंगी। मैं पहले ही तुम्हें मना कर चुकी हूँ लाची, पर दस्यु लोक मेरी भी मातृभूमि है माँ, और पौरवों ने मेरे पिता पर घात किया है, और एक बेटी होने के नाते मेरे पिता के लिए मेरा कर्तव्य है। पुरु भले हमारे संसार का हिस्सा था, परंतु मेरे लिए मेरा परिवार, मेरा लोक ही मेरा संसार है। लाची माँ, मैं आपका हर आदेश मानूंगी, पुरु को इस विषय में कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं पुरु से कोई बात नहीं करूंगी। बस मुझे अपने मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने दीजिए माँ। अद्भुत, इतनी सुंदर वस्तु तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम फारसी बड़े कलाकार हो, मानना पड़ेगा। क्या रंग है इसका, क्या कोमलता, क्या बुनाई, मानना पड़ेगा। मुझे एक कालीन चाहिए, और ये भी, मुझे ये भी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लूं और कौन सी छोड़ दूं। सोच रहा हूं कि एक बड़ा सा कक्ष बनाऊं जहां मैं ये सारी कालीन रखूंगा। क्यों? तारीफ का दिखावा बंद करो शहजादे पुरस, क्योंकि जितना मैं तुम्हें समझती हूं, तुम अगर यहां आए हो तो किसी मकसद से। तुम बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। उनकी तरह तुम भी मेरा मन पढ़ लेती हो। हाँ, यहां आने के पीछे मेरी एक योजना है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता के मन में है। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो साफ साफ सुनो, तुम्हारे पिता को तुमसे कोई लगाव नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करते। सोचो राजकुमारी, तुम और तुम्हारे पिता दोनों ये बात जानते थे, यहां आने के पीछे मेरी कोई योजना है और यहां संकट है, फिर भी तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहां भेजा और तुम्हारे प्राण संकट में डाले। मान लो राजकुमारी, शाह डराइस के लिए उनका लाभ तुमसे कहीं महत्वपूर्ण है, स्वभाव से व्यापारी जो है, और तुम केवल एक मोहरा जिसे अपने लाभ के लिए वो कभी भी बलि चढ़ा सकते हैं। जुबान बंद रखो। अरे, मैं तुम्हारी आंखें खोलने का प्रयास कर रहा हूं और तुम मेरी सुबह बंद कर रही हो। खैर, ये बात इतनी गंभीर नहीं है राजकुमारी, सत्य तो सूरज के भांति होता है, चक के बादल कितने ही गहरे क्यों ना, समय आने पर वो सामने आ ही जाता है। चलो, अब मुझे वो
फारसी कांच का सामान दिखा। बहुत तारीफ सुनी है मैंने उसकी। अपने लोगों को होशियार रखना मोशस, और पोरस पर नजर रखना। मुझे यकीन है वो कुछ बड़ा करने की फिराक में है। सब कुछ ठीक तो है ना? संसार के सबसे बड़े साम्राज्य के शाह जरायस के मुख पर चिंता की लकीरें। पहली बार आपके स्वर में भय और हार की खनक सुनाई दे रही है। जो पूरे संसार पर कब्जा जमाने का स्वप्न देख रहा हो, आज उसके मुख पर यह भय देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो पुरु ने कुछ किया भी नहीं, आज तुम्हारी ये दशा है तो आगे जाके क्या दुर्दशा होगी। चाह करायस, अच्छी तरह देखो मेरे बेटे को, दृष्टि रखना उस पर, क्योंकि मेरा बेटा पूरे संसार के समक्ष आज ये उदाहरण रखेगा कि कैसे बिना प्रहार किए शत्रुओं को हराया जाता है। क्या हुआ, सोच रहे हो ना कि पुरु आगे क्या करने वाला है? धीरज रखो, कुछ ही क्षणों में तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। आज तक तुम फारसी ये सोचते आए कि तुमसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं, परंतु आज दिखेगा कि कैसे एक भारतीय मस्तिष्क तुम फारसियों के नाकों चने चबवाएगा। सुंदर, अति सुंदर। अरे वाह, इसकी चमक तो एकदम मणि की भांति है। लगता है कोई जादुई शक्ति है इसमें, है ना? ये तो टूट गया। क्षमा चाहता हूं राजकुमारी, वो क्या हुआ ना कि मेरी आंखें आपके चेहरे पर थी, आपने पलके झपकी और मेरे हाथ से फिसल गया। बस एक बात कहना चाहूंगा राजकुमारी, आपका ये कांच सुंदर तो बहुत है पर मजबूत नहीं। कांच से आर पार दिखता है शहजादे, और तुम्हारे ये झूठे लफ्जों का खेल मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा,
क्या इस कांच से सब कुछ साफ साफ दिखता है? तो क्यों ना मैं इस कांच से सूरज को देखूं? वो क्या है ना कि मैंने आज तक सूरज को अपनी खुली आंखों से नहीं देखा, तो क्या मैं देख सकता हूं? आपकी मर्जी। सुंदर, अति सुंदर, इस कांच में से सूरज कितना भिन्न दिखता है ना। कहते हैं कि हर स्थान की अपनी अलग ऊर्जा होती है, भिन्न भिन्न स्थानों से सूरज भी भिन्न भिन्न दिखता है। वो क्या? हुजूर, ये पोरस कर क्या रहा है? कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? नहीं मोशस, ये जरूर किसी मकसद किसी इरादे से आया है। सुंदर, अति सुंदर, वो क्या? सुंदर, अति सुंदर, अब वहां से देखते हैं। वाह, तुम क्यों नहीं देखती? लो देखो। मुझे नहीं देखना। अरे देखो तो सही एक बार। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तुम राजकुमारी है। वो क्या? यहां से भी कितना भिन्न दिखता। हो गया काम। कौन सा काम हो गया? पूरे दर्शन और क्या।
पता है तुम्हें, अगर इस कांच से देखो तो एकदम संतरे के भांति लगता है, मन तो करता है कि खा ही जाओ, और उस लाल रंग के कांच से देखो तो सेब के भांति। वैसे तुम्हें क्या पसंद, संतरा या सेब? अब चले यहां से, जब देखो बेमतलब की बातें करते रहते हो। मेरी बातों का मतलब तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा राजकुमारी, और तुम्हारे पिता को भी। ये आतिशी शीशे, इन्हें फौरन वहां से हटाओ। जान खतरे में, मुझे जाना होगा। नहीं राजकुमारी, वहां संकट है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकता। हुजूर, हमारा बहुत नुकसान हो गया, मदद कीजिए हुजूर। सारा बाजार तबाह हो गया, कुछ कीजिए हुजूर, हमारी मदद करें। बहुत दुख की बात है शाटराइस, आपका ये बाजार सुहा हो गया। मैं जानता हूं ये बाजार तुमने जलाया है पुरु। बिल्कुल, इस सब के पीछे मेरा ही हाथ था, पर सिद्ध कैसे करोगे शाटराइस? यहां सभी ने देखा कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे व्यापारी इसके साक्षी, और तुम्हारी बेटी स्वयं मेरे साथ हर पल थी। अब अनुभव हुआ कि कैसा लगता है जब अपने संसार में आग लगती है? ठीक ऐसा ही अनुभव हुआ था मुझे जब तुमने मेरे दसवीं लोक में आग लगाई थी, और ये तो केवल शुरुआत है शाटरहस। एक एक करके मैं तुम्हारे सारे सपनों को इस बाजार के बाद ही भस्म कर दूंगा, और तुम देखते रह जाओगे। तुम्हें अपनी मातृभूमि से खदेड़ दूंगा मैं, और यही मेरा उत्तर होगा। Fa
पारस पर हमला रोक कर तुम्हें मेरी बेटी की शादी में क्या दिलचस्पी हो गई? पारस पर हमला जरूर होगा, मगर इस शादी के बाद। दरख्त को उखाड़ फेंकने के लिए आखिरी चोट देने का वक्त आ गया है अलेक्जेंडर, और वो वक्त है ये शादी।